हाय नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश का जो नेक्स्ट पार्ट है, हमने फर्स्ट में लेटर अल्फाबेट इनको कवर किया था, तो आगे हम वर्ड और सेंटेंस में कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं कि सबसे छोटा वर्ड कौन सा है या क्या कोई लेटर एक वर्ड भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इससे पहले एक क्वेश्चन आता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, क्या ये सही है? ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, ये गलत है। यहां पे अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे है, इसी चीज पे हम डिस्कशन करेंगे, इसको देखेंगे, आप समझ सकते हैं। अभी सबसे पहले ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, अगर आपने ये पढ़ा है तो बिल्कुल गलत है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, या शब्दों के समूह को हम एक सेंटेंस बोलते हैं, ये भी गलत है। या वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, ये भी गलत है। तो ये गलत क्यों है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो ये पढ़ा है, अभी गलत कैसे हो गया, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज वीडियो को देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने बताया था लेटर और अल्फाबेट, इनमें क्या अंतर होता है इनको हम समझ लेते हैं। तो लेटर का मतलब होता है वर्ण, वर्ण मतलब एक लेटर, अगर ए हो गया ये क्या हो गया, लेटर हो गया, बी लेटर हो गया, मतलब हम ए बी सी डी जो 26 हैं, अगर हम एक एक लेते हैं उसमें से तो वो क्या है, हमारे लेटर होते हैं। अगर हम 26 को देखें, देखो वर्णमाला ये क्या है, 26 ए टू जेड, ये होता है हमारे अल्फाबेट, अल्फाबेट भी नहीं अल्फाबेट होगी, तो ये क्या होंगे, वर्ण माला, और ये क्या है, वर्ण होते हैं ए बी सी। अगर हम एक एक को लें वो क्या होते हैं, लेटर होते हैं, और सारे ए टू जेड का ग्रुप सभी को एक नाम देंगे हम अल्फाबेट वर्ण माला, क्योंकि माला एक से तो बनते नहीं है, माला मतलब 26 जो लेटर है उनसे बनी हुई एक माला को बोलते हैं वर्णमाला, वर्णों की माला, क्योंकि वर्ण वर्ण ये हो गया, वर्णों की बनी हुई माला, मतलब ऐसे 26 वर्ण है उनको मिला के एक माला बनी, उसका नाम है वर्णमाला, और ये 26 को हम वर्णमाला बोलेंगे, हम ए को अल्फाबेट नहीं बोल सकते, लेटर बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, अगर आपने पढ़ा है ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, जो लेटर्स है उनके समूह को अगर हम वर्ड बोलते हैं तो गलत है, क्योंकि अब देखिए यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं डबल ओ जी डी, क्या ये एक वर्ड है, इज इट अ वर्ड, नहीं ये शब्द नहीं है, इट्स नॉट अ वर्ड। अगर मैं यहां पे लिखूं गुड, देखो डबल ओ यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, जी यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, डी यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लेकिन ये वर्ड है। अब आप समझे इसे, जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वेल अरेंज्ड या प्रॉपर ऑर्डर में अगर हो, जो ऑर्डर है उसका प्रॉपर होना चाहिए, जैसे जी जहां है वहीं होना चाहिए, डबल ओ उसके बाद है वो होने चाहिए, मतलब वेल अरेंज्ड, और जिसका कुछ मीनिंग निकले, जिसका कुछ मीनिंग निकले वो क्या होता है, एक वर्ड होता है। जैसे Well arranged group of letters is called a word, ठीक है, जैसे well arranged, ये क्या है, well arranged है, ये क्या हो गया, एक word हो गया। तो ये ऊपर वाली अगर आप definition देख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इससे नहीं होगा, आप समझ के देखिए एक बार। अगर हम ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करें, लेटर्स हमने लिख दिए,
यहां भी तो लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका कुछ मीनिंग तो निकल ही नहीं रहा ना। अब मीनिंग नहीं निकल रहा तो ये कैसे हो जाएगा एक वर्ड? ठीक है, ये क्लियर? यहां पे जैसे हम कोई भी ले सकते हैं, दिस ले लिया, ये क्या है, वर्ड हो गया। अगर हम इसी की स्पेलिंग आगे पीछे लगा दें, एस एच टी, ये कोई वर्ड ही नहीं है, गलत हो गया। तो क्या है, वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं इस सेंटेंस के बारे में। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबसे छोटा वर्ड कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है, या कोई ऐसा वर्ड जिसमें सारे हमारे वोवल आ जाते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे सारे ए टू जेड आ जाएंगे, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो वेल अरेंज्ड हो, ठीक है, मतलब जहां पे उसकी पोजीशन है वहां पे उसकी पोजीशन होनी चाहिए, वो क्या होता है, एक वर्ड होता है, या विच गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हो। जैसे हम बात करें, दिस इज अ कार, वो छोटा सा हमने एक सेंटेंस ले लिया। अब यहां पे आप देखिए, दिस इज अ कार, ये करेक्ट है। अगर मैं वर्ड्स प्रॉपर लू, वर्ड्स तो सही हो लेकिन उनका ऑर्डर गलत हो, तो क्या वो सेंटेंस हो जाएगा, आ इज कार दिस। अब इसमें वर्ड्स तो करेक्ट है लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है, इट्स नॉट अ सेंटेंस, ये गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसका मीनिंग है, वो भी गलत हो जाएगा। तो यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसी चीजें, अगर आपने राइट नहीं किया स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप बाद में। तो आई एंड ए, आई और ए क्या है, ये वर्ड्स भी हैं और लेटर्स भी हैं, मतलब ये दोनों हैं। इंग्लिश के अंदर जो आई और ए हैं, ये वर्ड्स भी हैं और लेटर्स भी हैं, ये आप समझ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आई और ए लेटर्स भी हैं और वर्ड्स भी हैं, आपको पता है आई लेटर होता है, ए लेटर होता है, लेकिन ये वर्ड में भी होता है। आई मीन्स मैं, क्योंकि मीनिंग दे रहा है प्रॉपर, ए मीन्स एक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटा वर्ड, तो सबसे छोटे वर्ड क्या है, ये सबसे छोटे वर्ड है। ठीक है, सबसे छोटे वर्ड भी है, आप ध्यान दीजिए, आई और ए क्या है, सबसे छोटे वर्ड भी है। सबसे छोटा सेंटेंस क्या है, आई एम, आई एम क्या है, सबसे छोटा सेंटेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसा वर्ड जिसमें सारे वोवल्स आ जाए, जैसे, हालांकि बहुत सारे मैं आपको सिंपल बता देता हूं, एजुकेशन, ऐसा एक एक नहीं बहुत सारे वर्ड्स है। वैसे एजुकेशन वर्ड में क्या है, सारे वोवल्स आ रहे हैं, और वोवल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे वोवल्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या है, एजुकेशन ऐसा वर्ड है, हालांकि इसके जैसे और भी वर्ड्स हैं जिसमें सारे हमारे वोवल्स आते हैं। इसके बाद आई एम क्या हो गया, सबसे छोटा सेंटेंस हो गया, ये एक ऐसा वर्ड हो गया जिसमें सारे वोवल्स आ रहे हैं, और मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें वोवल्स आते हैं, बिना वोवल के वर्ड ना बहुत कम मिलते हैं, हालांकि कुछ वर्ड्स हैं इनकी भी संख्या काफी है। वैसे जैसे हम बोल सकते हैं फ्लाई, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वोवल नहीं आ रहा। वाई, इसमें भी वोवल नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या है,
कुछ ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। अब हम कोई ऐसा सेंटेंस देखते हैं ठीक है जिसमें सारे ए टू जेड आ जाएं, वो सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी टॉप। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी टॉप। यहां पे दा भी लगा सकते हैं आप, वैसे दा वहां पे हो गया तो और सॉर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारे ए टू जेड जो हमारे सारे इसमें अल्फाबेट आ रहे हैं या सारे लेटर्स इसमें आ रहे हैं ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये चीजें ऐसी मैं आपको कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगी, इंटरेस्टिंग भी होंगी और आपके काम भी आएंगे ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी और इसके बाद जो आने वाले लेसन्स होंगे उनमें हम बात करेंगे जो सेंटेंस है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं या इससे जुड़ी हुई और भी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूं कि इंग्लिश इंडिया में कैसे आई, कौन था पहले, सबसे पहला अंग्रेज कौन था जो इंडिया में इंग्लिश लेके आया, इंग्लिश कहां से स्टार्ट हुई ठीक है, तो इंग्लिश को किस लिपि में लिखा जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आता रहूंगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।